तस्वीरें हम दिखा रहे हैं योगेश्वरी काली मंदिर पहुंचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में। आज बंगाल में 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है, राजनीतिक रूप से एक लिंक खोजने की कोशिश होगी। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने, राजनीतिक रूप से इन तस्वीरों के अपने बहुत मायने हैं और इसके मतलब भी इस वक्त निकाले जा रहे हैं। आपको ये भी बताते चले अंजना, आपने दर्शकों को भी, जिस जसोदेश्वरी काली मंदिर में प्रधानमंत्री दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं, दरअसल उसका जीर्णोद्धार अभी हाल ही में किया गया है, यानी कि पीएम के आने के पहले पूरी रंगाई पुताई उस पूरी मंदिर की गई है। काली माता के दर्शन करेंगे, इसके बाद बंगबंधु के वहां पर मजार पर जाकर वो उनको नमन करने वाले हैं, क्योंकि 100वीं जन्म जयंती इस वक्त पूरा का पूरा बांग्लादेश अपने राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान साहब को मना रहा है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसको लेकर आज सुबह से आप बड़ी कवरेज कर रही हैं, बंगाल चुनाव को लेकर मतुआ समुदाय के लोगों को न सिर्फ संबोधित करेंगे बल्कि उसके ठीक पहले हरिजन मंदिर में जाकर वहां पर दर्शन पूजन करने का भी कार्यक्रम है। और यकीनन ये तस्वीरें जब पश्चिम बंगाल में जाएंगी तो उसके अपने बहुत सारे मतलब और मायने निकाले जाएंगे, क्योंकि मतुआ समुदाय की आबादी बांग्लादेश में अंजना जितनी है उतनी ही पश्चिम बंगाल में है, यानी कि 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में। और मतुआ समुदाय का 70 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है, इसी वजह से माना ये जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री जब मतुआ समुदाय के हरिसाब मंदिर जाएंगे, हरिचंद मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करेंगे, और बाकायदा मतुआ समुदाय के जो लोग यहाँ पर यानी कि इस तरफ बांग्लादेश में रहते हैं उनसे जब वो मुलाकात कर अपनी बातें रखेंगे तो उन तस्वीरों का उस पार भी बहुत असर पड़ेगा। और यकीनन उसी बात का इंतजार भी इस वक्त किया जा रहा है, लेकिन काली माता मंदिर की तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं और ढाका के बाहर इस तरह के बड़े उनके अलग अलग व्यक्तिगत कार्यक्रम का निर्धारण किया गया हो, और वही ये तस्वीरें हैं जो अपने आप से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का दूसरा दिन है, सबसे पहले उनके ये कार्यक्रम, एक तरफ माता काली के दर्शन, उसके बाद बंगबंधु की बाजार पर जाएंगे और उसके बाद मतुआ समुदाय के मंदिर में जाकर पूजन अर्चन करेंगे। शाम को बायलेटरल मीटिंग होगी और उसके बाद राष्ट्र को प्रेसिडेंट की ओर से डिनर होस्ट किया गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद टेक ऑफ पर जाएंगे यहाँ से सीधे इंडिया के लिए। लेकिन ये दो दिन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे, कूटनीतिक लिहाज से बांग्लादेश के साथ रिश्तों को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस लिहाज से भी ये तस्वीरें मायने रखती हैं। वहीं दूसरी तरफ आज का दिन राजनीतिक लिहाज से काफी ज्यादा मायने और इम्पोर्टेंस रखता है, कि 30 सीटों पर एक तरफ पश्चिम बंगाल के जहाँ अलग अलग हिस्सों में खासतौर से जंगल महल के वोटिंग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जब दर्शन पूजन करेंगे तो यकीन ये तस्वीरें अपने आप में और मंदिर मंदिर जाने की कवायद में जरा चल रही है। आप सबने देखा दिलीप घोष जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, सुबह सुबह सबसे पहले बिल्कुल एक बार आपको जरा वहाँ मंत्रोच्चार जो हो रहा है वो सुनाते সবরূপ মহাদেব হৃদয় পরিসমস্থিত
सम शिवापि पुरोदाभापि चतुर्दिक्कु समन्वितम् महाकालमचुषामम् विपरीतरतत्रम् शूपप्रसन्नवदनम् शरारम् सहरूहम् एवं सञ्चितयत्काले शशनावयवासिनि यशश्वचन्दनपुष्पम् ॐ क्रीं जशरेश्वरी कालिकावै नमो नमः यशश्वचन्दनपुष्पम् ॐ क्रीं जशरेश्वरी कालिकावै नमो नमः यशश्वचन्दनपुष्पाञ्जलि ॐ क्रीं जशरेश्वरी कालिकावै नमो नमः यदाकमलपुष्पधूपि नैवेद्यफलमिष्टमदानकर्मणि ॐ क्रीं जशरेश्वरी कालिकावै निवेदयामि ॐ नमः शरवामलमङ्गले श्रीकेशवत्प्रसादिकेशवन्मित्रं भगवोदिनारायणि नमोऽस्ते कलिकालि महाकालि कलिके बह्वालिनि सर्वशक्तिहरदेवि नारायणि नमोऽस्ते जयन्ती मङ्गलकालि भद्रकालि कपालिनि दुर्गा शिवपमदत्री शाश्वत नमोऽस्ते दक्षजग्रविनाशिने महाप्रभवै जोगिनी कोटिकोटिवृतायै भद्रकन्यै ॐ क्रीं जशरेश्वरि कालिकायै नमो नमः कलिकावै विद्महे भगवति धीमहि तन्नदेवी वसुधया कलिकावै जगन्मातुकालिके सर्वदुःखिने गिरानन्दनं देवि नमोऽस्ते शङ्करोत्तरी यदानिगन्धपुष्पधूपदीपदलम् ॐ क्रीं जशरेश्वरि कालिकावै नमो नमः ॐ नमो ब्रह्मेशाय ओमनश्च शमनश्च उदनश्च कलश्च मुद्रेशाय ॐ नमो कालिकाय विद्महे सुसंदर्शने धीमहि तन्नदेवी वसुधया नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव तदनुजयं बुधिरे जरा जराय विधर्मस्य ग्लानि भ्रमपदि भारतम् अभ्युत्थानं धर्मस्य तदत्मानं सिदमः परित्राणाय साधनं विनाशाय सुदुष्कृतं धर्मो संस्थापनार्थाय शम्भवामि युगे युगे ॐ नमः सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभागं न भवेत् ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति योगेश्वरी काली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बांग्लादेश में